वो मैं आप लोगों को बताती हूँ बाकी सर जो है आपको आगे जो है गाइड करेंगी कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं करना वैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हमारा आया था जेबीटी का उसमें साफ साफ एक चीज जो है ना पर मेंशन की गई है देखिए इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई थी यहाँ पर कि ऑल क्वेश्चन आर कम्पल्सरी सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जरूरी है होंगे सर है ना इंग्लिश एंड हिंदी में है ओ एम है मतलब की आपका ऑफलाइन मोड है एग्जाम अ कैंडिडेट हैज टू फिल वन ऑप्शन कंपल्सली आउट ऑफ फाइव ऑप्शन गिवन मतलब कि आपको पांच ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी ई दिया जाएगा ठीक है डी तक नहीं है ई e, एक और ऑप्शन दिया जाएगा पांच ऑप्शन होंगे आप लोग देखिए यहां पर इन्होंने बहुत मतलब ब्लैक कलर में लिखा था कि भाई आपको पता चल जाए इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द फाइव ऑप्शन क्वेश्चन देन मार्क्स फॉर ईच अन क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने जीरो पॉइंट नाइनटी फाइव मार्क्स की आप लोगों की देखिए वहां पर नेगेटिव uh, मार्किंग हो सकती है अगर कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया बिना ऑप्शन को टिक किए सारा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा है ना सर बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर को आगे कैसे कर बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट आप सभी को समझाया और ये बात बहुत सारे विद्यार्थियों को मैम पता भी नहीं है जी। तो आप सभी को क्या करना अपने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं लेकिन सबसे पहले पेपर को सॉल्व करते समय आप सबको एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार है क्योंकि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है और मुझे उम्मीद है कि उस तैयारी को आप एक सही मायने में रिप्रेजेंट भी करेंगे और अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व करके भी आएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ऑफलाइन मोड में पेपर है मैम इन सब के लिए क्या है एक फायदा ही है देखा जाए तो ऑफलाइन पेपर को हम क्या करते हैं बार बार पलट के देख सकते हैं जबकि ऑनलाइन में ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो एक बेनिफिट है ऑफलाइन में ये कि आप पूरे पेपर को कम टाइम में देख पाओगे और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से आप टोटल क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जैसे आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर मैं क्वेश्चन की बात करें तो हर एक टाइप में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब जैसे मैथ में बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे सी में आपके बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे टोटल मिला के सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैम जब सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एक नंबर से लेकर सौ नंबर तक पहुंचना है ठीक है अब ऐसे ही नहीं पहुंचना है आपको एक नंबर से सौ नंबर तक कैसे पहुंचना होगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है क्वेश्चन जो आप बन टच कर सकते हो बन टच का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर तुरंत आ गया और तुरंत टिक करके आप आगे बढ़ गए

में आप उनको बना लीजिए फिर उसके बाद भी अगर क्वेश्चन बचेंगे सीधी सी बात है कही न कहीं ना कहीं क्वेश्चन बचेंगे और जब बचेंगे क्वेश्चन तो उन सभी क्वेश्चनों को आपको फुलफिल करके आना है क्योंकि मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया और ये बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है इस बात के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये बात सभी प्रिय विद्यार्थियों को पता चल पाए

सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं है ना? तो पूरा पेपर जो है कर कर आइएगा अच्छा कीजिए बेस्ट ऑफ लक सर है ना जी जी मेरी तरफ से भी बेस्ट लग है। गोला भरोगे तो कोशिश ये करनी है कि बाहर भी न जा ना जा पाए और ऐसा न हो कुछ लोग ऐसा अधूरा गोला भर देते हैं इतने में आपका फिर वो नंबर काउंट नहीं किया जाएगा ठीक है तो आप पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे सबसे पहले तीन राउंड में आप पेपर को सोल्व करेंगे और अपनी